गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गुड हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ अब रेलवे दूर नहीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट टू। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। मैंने आज पहले ही ये चीज लिखी है कि आपके दिमाग में जो कल जो डाउट्स थे वो आज हम क्लियर करेंगे, और जितना भी शॉर्ट टर्म में हो सकेगा मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। कल हमने बेसिक सीखा, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया, आज हम करेंगे इसके शॉर्ट ट्रिक पे क्या हम काम करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाएं बिना किसी देरी के, और बहुत मजा आने वाला है, लिटरली बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं बिना किसी देरी के आपको चीजें बताना स्टार्ट कर रहा हूं जिससे कि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो और आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सके इनका। अब ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, जब आपको रेट पूछी होती है, दर पूछी होती है, आपके सामने अमाउंट दिया होता है, प्रिंसिपल दिया होता है, मतलब मैं कह दूं कि मिश्र धन भी दिया होगा और आपका मूलधन भी दिया होगा, क्लियर है, और आपसे दर पूछी होगी और आपके सामने टाइम भी दिया होगा कि आपका टाइम टी वर्ष है। ठीक है, टी वर्ष है। ठीक है, अब इसी का मैं कॉपी एक क्वेश्चन बनाता हूं, दोनों तरीके से करेंगे। मैंने ये जो चीज लिखी है ना वो आपको जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि दोनों सेम है। तो देखते हैं कैसे। तो मैं ये कह देता हूं आपसे कि वो क्वेश्चन हम कल भी लिया था ये क्वेश्चन और आज भी लूंगा कि चार हजार रुपए है ना, दो वर्ष में 4000 रुपए दो वर्ष में 4840 हो जाते हैं। ये कल वाला क्वेश्चन ही है, कल हमने इससे किया था, है ना, कल हमने इस फॉर्मूले से किया था, लेकिन आज हम इसको दूसरे चीज तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से करने वाले हैं, तो वो तरीका क्या होगा, 4000 रुपए 4840 हो जाते हैं कितने टाइम में, दो वर्ष में। तो आपको अमाउंट दे रखा है जो कि आपका मिश्रधन है, ये आपका मिश्रधन है, ये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, और आपका टाइम दे रखा है। तो आपको दर निकालनी थी, आपको रेट निकालनी थी। तो हम हमेशा याद रखना, हमें जब भी रेट निकालनी हो तो जो ये अमाउंट है और ये आपका क्या कह रहे हैं, जैसे ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल कितना है 4000, ठीक है, और अमाउंट कितना है 4840। इनका आप रेशो निकाल लो, इनका आप रेशो निकालोगे तो एक जीरो से एक जीरो चली गई और ये आपका चला जाएगा 4 से 100 बार और ये आपका चला जाएगा 4 से 121 बार। ठीक है, 4 से 100 बार 4 से 121 बार। अब आपका समय कितना दे रखा है, दो वर्ष, तो आप अब रूट कर दो, बस मेरी बात समझ रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये 11। अब आपको बस आपको रेट निकालनी है, तो रेट क्या हो जाएगी आपकी, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में निकलती है, तो कितना भरा है, एक भरा है, किससे, 10 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपका प्रिंसिपल तो पी है ना जो कि 10 है। ठीक है, और मैंने रूट क्यों निकाला, क्योंकि आपका दो वर्ष दे रखा है, क्योंकि आपका दो वर्ष दे रखा है, इसलिए मुझे रेशो निकालना है पहले, फिर मुझे रूट निकालना है, और रूट के बाद 10 हमारा प्रिंसिपल होगा, 11 हमारा अमाउंट होगा, ये पहले वर्ष का होगा, फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर से हम रेट निकाल सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में रेट निकलती है, 10 के रेस्पेक्ट में निकलती है, और एक क्या होता है हमारा, ब्याज होता है, तो मैं 11 माइनस 10 करूंगा तो 1/10 × 100, तो ये आपका आ जाएगा 10% रेट आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को अब मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन रखने वाला हूं जो 3 वर्ष के लिए होगा, तो क्वेश्चन देखना और आप तुरंत आंसर देना चलेगा। क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन, इस प्रकार है, और देखिए सारे क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। मैंने आपसे कहा था कि कल ट्रेलर था, अभी तो मजा आने वाला है, तो मैं ये कह दूं कि 3000 रुपए 3 वर्ष में 3993 हो जाते हैं, 3000 रुपए 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाते हैं, तो आपको रेट निकालनी है। आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन तरीका समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। अब चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप डायरेक्ट चीजें लगाएंगे, है ना, हाँ, तो इसमें रूट क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 वर्ष है, और हम इस फॉर्मूले में देखें तो 1/3 मैं लगाऊंगा,
बात तो वही है, अमाउंट यहां लिखूंगा, इन दोनों का रेशो आ जाएगा और एक माइनस करना है मतलब इन दोनों को आपस में घटाना है। चीजें वही हैं दोस्तों, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, ये आपको आसान लगेगा क्योंकि इसमें आपका ये नहीं लग रहा है, बस बाकी चीजें सेम है। तो 3993 मैंने इसको 3 से काटा, ये हो गया 1331 और ये हो गया आपका 1000। मैंने 3 वर्ष दे रखा है टाइम, मुझे कितना दे रखा है 3 ईयर, तो मुझे इसका क्यूब रूट लेना है, मुझे इसका क्यूब रूट लेना है, तो मेरा 10 और 11 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट ईयर का आ गया, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट, तो आपका रेट कितनी आ जाएगी 1/10 × 100, तो इसका आंसर भी आपका 10% आ जाएगा, इसका आंसर भी आपका 10% आ जाएगा। गॉट इट गाइस? हाँ, तो देखो चीजें कितनी आसान हो गई हैं। अब उससे करोगे तो भी वही चीज निकलने वाली है। कैसे करोगे? अगर एक ही जगह 3993 रखोगे और यहां 3000 रखोगे और 1/t, तो टी कितना है आपका 3 वर्ष है, तो 1/3। अब वही बात तो बन गई, यहां पे इनका रेशो निकालोगे, माइनस 1 करना है और इनटू 100 करना है, यही आपकी रेट आ जाएगी। यहां से इसको सॉल्व करोगे, बात वही है, इसको सॉल्व कर लो, बात वही है, उसको खड़ा करके लिखा हुआ है, इसको लेटा के लिख दिया, बस कुछ भी अंतर नहीं होता चीजों में। बस मैं यही समझाने की कोशिश में आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर करता हूं हमेशा से। आप सब्र करोगे सब कुछ मिलेगा, टॉप क्लास मिलेगा, विश्वास रखो, भरोसा रखो, और भरोसा है ना तो मुझे सब बता दें एक साथ, ठीक है, चलेगा। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूं। अब इसमें एक और क्या फंडा होता है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट करके चलेंगे, मजा आएगा। देखो ये चीज समझ में आ गई, ये तो तब था जब आपका अमाउंट दे रखा हो और प्रिंसिपल दे रखा हो, है ना। अब आपको क्या करना है, अगला कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट देखो, बहुत मजा आएगा। देखिए अगर मैं यह कह दूं आपको दे रखा है अमाउंट और एक अमाउंट दे रखा है और इसका समय दे रखा है आपको T1, मतलब T1 समय में एक अमाउंट होता है इतना और दूसरा अमाउंट, मतलब दो मिश्रधन दे रखे हैं। सर कैसे होते हैं दो मिश्रधन, मैं आपको बताता हूं। देखो ये आपके सामने मिश्रधन पहला, मिश्रधन दूसरा, यहां पे बात वही आ जाती है कि आपको रेट निकालना है और समय आपको दे रखा है T1 और T2, T1 वर्ष और T2 वर्ष। जब आपके अमाउंट आपको गिवन हो ना, अमाउंट आपको गिवन हो अलग अलग और समय भी अलग अलग होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक धन, मतलब कोई भी मूलधन जिसका प्रिंसिपल P है, T1 समय में A1 हो जाता है, बात वही है, और वही मूलधन T2 समय में A2 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका, आपको क्या निकालना है, रेट फाइंड आउट करना है। तो बात क्या हो गई, अलग हो गई, यहां पे प्रिंसिपल सेम है तो यही फॉर्मूला लगता है, लेकिन जब प्रिंसिपल सेम होगा ना तो दोनों का रेशो निकालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, अब ये A1/A2, बस इतना सा काम करना है। तो बड़ा वाला ले लो या छोटा वाला ले लो, यहां पे आप जैसे A2/A1 कर लो, बस A2/A1 कर लो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस होगा, इसलिए A2/A1 कर लो, आंसर आपका आएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को करेंगे और आसानी से कर पाएंगे, है ना। चलिए तो इस तरीके का एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने, जैसे कल भी लिया था अपन ने, और मैं देख लेता हूं कोई क्वेश्चन हो तो हमारे साथ। चलिए मैं ऐसे लेता हूं एक क्वेश्चन, जैसे कि वही ले लेते हैं जो क्वेश्चन लिया था, कि एक अमाउंट था अपना 10648, है ना, तो दो वर्ष में कितना हो गया 10648, कल वाला ही है ना, और 3 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका ये 9680। तो ये कल वाला ही क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट A2/A1 करके, ठीक है। तो सेम फंडा लग रहा है इसमें, है ना। अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं, है ना, तीसरी चीज, प्रिंसिपल सेम रहेगा ना। निशा जी जब भी तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि कोई भी धन T1 समय में इतना हो जाता है और कोई भी धन T2 समय में 3 वर्ष है इतना हो जाता है, तो यहां पे आपको जो समय आएगा T2 - T1 आ जाएगा, बस इतना सा आपको काम करना है, T2 - T1 आपका समय आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है, चलिएगा, क्लियर है गाइस। तो बहुत आसान चीजें हो जाएंगी, बस आपको देखना है कि यहां पे एक वर्ष आपका समय आ रहा है, T2 - T1 कितना आ रहा है, एक वर्ष आ रहा है यहां पे, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है उससे आपको निकालना है,
यहाँ पे A2 अपॉन A1 कर दो या फिर इनको लेट आके कर लो 168 और 9680। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा T2 अपॉन T1 कितना आ रहा है, एक वर्ष, तो आप डायरेक्ट इसका निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट निकालेंगे तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 9680 किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में अपॉन 100 करोगे तो आपका 10% आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10% आपका आंसर आ जाएगा। जैसे भी है आप निकाल सकते हैं इसको बहुत आसानी से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऊपर 968 आएगा, 968 अपॉन 9680 इंटू 100, डिफरेंस निकाल के करना है बस इसको। क्लियर है? हाँ, अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट आपके सामने है, देखिएगा। अब आपको रेट निकालनी हो, रेट निकालनी हो और आपको दे रखा है कि कोई N1 मतलब N टाइम्स हो जाता है, M टाइम्स हो जाता है T समय में, T वर्ष में आपका कोई भी धन N टाइम्स हो जाता है। ठीक है, T समय में कोई भी धन आपका N टाइम्स हो जाता है, इसकी आपको रेट निकालनी हो तो कैसे करेंगे? तो मैं क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाया जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करें सब लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, वो चीज मैं कल बता चुका हूं, जिनको नहीं समझ में आई वो कल देख लेना, लेकिन ये आज नई चीज है कि n टाइम्स t वर्ष में हो जाता है तो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है कि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज में 15 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है। तो मैं ये कहता हूं 15 वर्ष में क्या हो जाता है, अपनी दुगनी हो जाती है, 2 times हो जाती है। ठीक है, 15 वर्ष में आपकी 2 times हो जाती है, और कितने वर्षों में वो 8 times होगी, कितने वर्षों में वो 8 times होगी। देखो इसका कितना बड़ा फंडा है, चीजें समझ लो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, आपसे क्या बोल रहा है कि 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये कह दूं कि आपके पास पहले P रुपया था, आपका दुगना हो गया, 2P हो गया, कितने वर्ष में हो गया, 15 वर्ष में हो गया। दुगना कितने वर्ष में हो गया, 15 वर्ष में हो गया। क्लियर है ना? अब आपसे क्या पूछा गया है कि दुगना आपका 15 वर्ष में हुआ है तो 8 गुना कब होगा। तो मैं कह दूंगा कि मुझे और दुगना करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 4P हो जाएगा, 15 वर्ष और लगेंगे, क्योंकि आपका चक्रवर्ती ब्याज है। तो अगर एक बार आपने दुगना किया तो दोबारा दुगना करने में 15 वर्ष लगेंगे, मुझे और दुगना करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पहले वाले धन का 8 गुना करना है, तो 8P हो जाएगा, 4 का दुगना, तो इसमें भी मेरा 15 वर्ष लग जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 वर्ष 15 वर्ष 15 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 45 साल। कैसे, कि आपको पता है कि ये बोला है कि 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो मेरे पास P था, 2P हो गया, 15 साल लग गए, 2P से 4P होगा, 15 साल लग जाएंगे, 4P से 8P होगा, फिर 15 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज है, इस वजह से अमाउंट दुगना होता जाएगा, क्योंकि एक बार में दुगना हो रहा है इसलिए। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आपको उस तरीके से भी मैं बताऊंगा, जो आप लोग कह रहे हैं सर क्यूब कर दो वो कर दो, मैं बिल्कुल बताता हूं वो तरीका क्या है। ठीक है, वो तरीका इस तरीके से है, चीजें देखिए बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपका N1 1/T1 ये इसका फॉर्मूला होता है, और N2 1/T2 मतलब क्या है, कंपैरिजन कराना कि पहले कितना था। अगर आपका धन 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो दुगना हो रहा है 15 वर्ष में, तो मैंने 1/15 लिख दिया, 15 वर्ष में दुगना हो रहा है मतलब N टाइम्स हो रहा है, दुगना 15 वर्षों में हो रहा है, तो इसने क्या बोला था कि 8 गुना कितने वर्षों में होगा, 8 गुना, क्योंकि N2 कितना हो जाएगा मेरा, 8 गुना कितने वर्षों में होगा, तो 1/T2। अब मेरी बात सुनना, इन दोनों के बेस को बराबर करने के लिए मैं ये लिख सकता हूं 2^1/15 बराबर 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 की क्यूब, 2 का क्यूब ही तो है 8, और इसकी पावर क्या है, 1/T2। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमारा बेस समान है, तो मैं ये कह देता हूं कि 1/15 बराबर मेरे पास 3/T2 हो जाएगा, तो T2 का मान मेरे पास कितना आ गया, 45 साल। तो ये भी आपका एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, आप चाहे उससे करें चाहे इससे करें, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो यार मैं तो सारी चीजें बता के चलता हूं आपको, जिससे कि आप बेफिक्र होकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करें, जल्दी से करें, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग जुड़े रहें, अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ो यार, मस्त रहो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा हर लेवल के, हाई से हाई लेवल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन पहले समझ लो मेरा उद्देश्य ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जिंदगी में नाटको एक सेकंड में आंसर आ जाए, आपको सारे मेथड पता हो, क्लियर। चलिए चलिए, क्या बोला गया है, चक्रवर्ती ब्याज में कोई राशि दो वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, तो मतलब क्या है, पहले पी थी, अब कितनी हो गई, 2.25 पी हो गई, ठीक है, कितना टाइम लगा, टाइम लगा आपका दो वर्ष, टाइम आपका कितना लगा, दो वर्ष लगा, क्लियर है। तो मैं ये कह देता हूं कि अगर मैं इनका रेशो निकालता हूं तो ये जीरो इधर गया, तो दो जीरो यहां पे आ गया, भाई जीरो हटाया तो दो जीरो यहां पे आ गया, पी से मैंने पी काट दिया तो 100 और 225 आ गया, ठीक है। अगर मेरे पास दो वर्ष है तो मैं पहले वर्ष का निकालने के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट क्या करूंगा, इसका अंडर रूट ले लूंगा, तो ये 10 और 15 हो जाएगा, ये 10 और 15 हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। अब इनका अंतर देखो, 15 में से 10 गए तो 5/10 × 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 50%, तो रेट आपकी आ जाएगी 50%, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है गाइस, क्लियर हो रहा है कि हम क्या करते हैं, कभी भी आपके सामने ऐसा आ जाए कि दुगना हो गया, तिगना हो गया, तो तुरंत आप इस फंडे को लगाइए और आंसर दीजिए। क्या करना है, दो वर्ष दे रखा है तो रूट ले लो, अगर तीन वर्ष दे रखा था तो क्यूब रूट ले लो, तो दोनों चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्लियर है, आंसर समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो जल्दी से यस करें सब लोग, अच्छा लग रहा है तो 2000 लोग देख रहे हैं, लाइक करें, बहुत अच्छा लगेगा, आगे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करा रहा हूं, भरोसा रखो सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर है, चलिएगा, है ना। अब मैं आपके सामने लेके चलूंगा क्वेश्चन नंबर 7, करिए क्वेश्चन नंबर 7 करें और फटाफट से आंसर दें, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, फटाफट से आंसर दें क्वेश्चन नंबर 7। जो कह रहे हैं सर मेंसुरेशन कब होगा, मेरे दोस्तों मेंसुरेशन सब हो चुका है, आपको अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो बस आप इतना करो, या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ या फिर ऐसे डाल दो साहिल सर मेंसुरेशन, ठीक है, साहिल सर मेंसुरेशन, आपका अपने आप वीडियो खुल जाएगा, पार्ट वन पार्ट टू मैंने बहुत अच्छे से मेंसुरेशन पढ़ाया है, और मेंसुरेशन ही नहीं, मैंने लगभग सारे चैप्टर कवर किए हैं, जो बचे हुए हैं वो भी आपके डेली आपकी 11 बजे क्लास होती है, मैं सिलेबस खत्म कराऊंगा और आपके लिए एक शानदार वाला सरप्राइज भी लेके आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो यार, है ना, सिलेक्शन लेना है तो जुड़ना आपको है, हम करेंगे मेहनत आपके साथ और आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है, क्लियर। तो आंसर आ गया सबका 12। सही आंसर है 12, जिनका आ गया है बहुत अच्छी बात है। मैं करके बताता हूं कि कोई धनराशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो मैं ये कह दूं कि 4 वर्षों में, पहले पी थी 2P हो गई, कितना टाइम लगा, 4 साल लग गए, है ना, 8 गुनी वह राशि अपने से 8 गुनी अब उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी, तो दर समान है और दर आपको मतलब दर समान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह राशि अपने से 8 गुनी होनी चाहिए, तो मतलब मैं जानता हूं कि 2P से 4P कितने दिन कितने में होगा, 4 साल में होगा, और 4P से 8P कितने में होगा, 4 साल में होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि पी से 8P कितने में लगेगा, 4 साल 4 साल और 4 साल, तो 12 साल मेरा आंसर आ जाएगा, 12 साल मेरा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 करें, क्वेश्चन नंबर 8 करें, जल्दी से करें क्वेश्चन नंबर 8, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 करें और सब लोग जुड़े रहें, मजा आएगा, ये मेरा वादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, भरोसा रखो यार, बस भरोसा रखोगे तो मेरे को खुशी मिलेगी और आपको आपका ज्ञान मिलेगा जो आप प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं, है ना, चाहे थोड़ा टाइम लग सकता है, टाइम भले ही लग जाए, टाइम है अभी है, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो फिर नए तरीके से समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो अभी टाइम है, टाइम दो, मैं भी आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि अच्छा चैप्टर है, दुनिया के जितने भी एग्जाम में मैथ और क्वांट आता है सब में पूछा जाता है, क्लियर है। चलिएगा,
आंसर मेरे पास इसका भी आ चुका है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी, ठीक है, कितने वर्षों में होगी, है ना। तो आपको पता है 6 18 कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको आप, क्योंकि आपको पता है दुगनी हो जाती है, 8 गुनी करनी है, दुगनी के लिए 6 वर्ष, और दुगनी के लिए फिर से 6 वर्ष, और दुगनी के लिए फिर से 6 वर्ष, तो 6 और 6 और 6 18 आपका आंसर आ जाएगा, 18 साल आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। हाँ चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना, ऐसे आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखें गाइस, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये ध्यान से देखो और इसको करने की कोशिश करो। कोई धनराशि है, कोई भी धनराशि होगी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, 3 वर्षों में 2400 रुपये और 3 वर्षों में कितनी 2400, ठीक है, और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4 वर्षों में आपकी हो जाती है 2520, ठीक है, वही बात हो गई, 3 वर्षों में 2400 हो रही है, 4 वर्षों में 2520 हो रही है। T2 - T1 कितना है, T2 - T1 है 1 वर्ष, 1 वर्ष है ना, तो मैं इसकी डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कैसे, कि 2520 में से 2400 घटाऊंगा तो 120 आएंगे, और किसके रेस्पेक्ट में, पिछले वाले के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका अगले साल ब्याज होगा वो पिछले साल के रेस्पेक्ट में होगा, और वो उसका क्या होगा, मूलधन की तरह काम करेगा, तो अपॉन 2400 × 100 आपका हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, 24 × 5 = 120, 5% आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि हमने वो अगला क्वेश्चन किया था, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका। कैसे निकाला, कैसे पहचानना है, कि अगर आपका T2 - T1 1 वर्ष आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, क्लियर है, है ना, और नहीं आए, आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर नहीं आया तो T2 - T1 1 वर्ष तो कैसे करेंगे, तो वो मैंने तरीका बताया है आपको। अगर आपको R निकालना है तो ये क्या है, आपके अमाउंट है, तो A2 upon A1 1 upon T2 - T1 - 1 × 100, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, और A2 upon A1 की जगह इन दोनों को रख दो और आंसर आपका इससे भी वही आने वाला है, क्लियर है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, 5% आपका सही आंसर है, मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूं लाइक करेंगे, मोटिवेशन पे भी चलूंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और क्वेश्चन करने हैं ना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो मुझे जल्दी से बताएं, जल्दी से पिन करें, क्योंकि मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं हर समय पे, क्लियर है, जल्दी से बताएं, कंपाउंड इंटरेस्ट के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो तैयार हैं आप सब, ये बताएं पहले, तो हाँ आपको पता है टेस्ट सीरीज धमाका भी आने वाला है, कोई बात नहीं, जिसका गलत चला गया कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ तो आपके सामने ये टेस्ट सीरीज धमाका आ चुका है, और ये आपके सामने स्लाइड दिख रही है, तो फिर से आ रहा है 50% ऑफ के साथ, और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और ऑफर वैलिड केवल 3 दिन के लिए होगा, क्योंकि 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाईफाई स्टडी के पूरे होने वाले हैं, उस उपलक्ष्य में आपके लिए टेस्ट सीरीज धमाका लाए हैं, तो बस एंजॉय करना इस धमाके का, ठीक है गाइज, और 2 मिलियन सेलिब्रेशन के लिए 2 तारीख को 8 बजे लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलना, ओके गाइज, चलिएगा। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, क्वेश्चन करना है, तरीके देखेंगे, अगर आपका प्रिंसिपल 25,000 रुपये है, अगर प्रिंसिपल 25,000 रुपये है, टाइम आपका दे रखा है तीन वर्ष, और आपकी रेट दे रखी है आपको 12%, रेट दे रखी है 12%, तो आप मुझे CI निकाल के बता दो बस, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो कॉर्पोरेट करें और जुड़े रहें, ठीक है, कॉर्पोरेट करें और जुड़े रहें, मज़ा आएगा देखो यार, है ना, तैयार हैं तो बस तैयार रहें, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से करें, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है यार, है ना, बहुत सारी चीज़ें का मतलब मंथ बेस कैसे निकालेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। मेंसुरेशन MD हसन से कह रहे हैं, मेंसुरेशन मैं पढ़ा चुका हूं आपको, वो जो मैंने बताया है वही करना है, कि नाम डालिए साहिल सर मेंसुरेशन, आप मेंसुरेशन की वीडियो देख पाएंगे जितना भी आपको देखना है, क्लियर है, चलिएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं,
आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो हमें ट्री मेथड अप्लाई करना है। आपकी रेट कितनी दे रखी है, 12%। रेट कितनी दे रखी है, 12%। तो मैं ये कह दूं कि 12/100 और मैंने इसको 4 से काट दिया, 4 × 12 = 25 × 100, तो 3/25 मेरे पास आ गया, 3/25 मेरे पास आ गया जो रेट था। अब मुझे ट्री मेथड लगाना है। तो देखो दोस्तों, हम ट्री मेथड में क्या करते थे, मूलधन को मान लेते थे अपनी मर्जी से मान लेते थे, और फिर हम इस वाले मूलधन जो दिया गया है उससे कंपैरिजन कराते थे। यही करते थे ना, जब हमारे पास इस मूलधन से कंपैरिजन कराते थे लास्ट में। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अपनी मर्जी से भी मान सकते हैं, क्योंकि आप तो यूं कहोगे कि सर नीचे 25 आ रहा है तो 25 का आप क्यूब मान लो, है ना, मूलधन उससे कर लो, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर दे रखा हो जो मुझे लग रहा है कि 25 से कट जाएगा आसानी से, तो क्यों ना मैं जो एग्जैक्ट दे रखा है उसी को मूलधन मान लेता हूं, 25,000। इससे पता क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि जो हमारा आंसर आएगा ना प्री मेथड से, वो वही आंसर होगा जो हमें चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, टाइम बचाने के लिए हमें क्या मेथड अप्लाई करना है। मैंने 25,000 मान लिया भाई अपने आप ही, ठीक है। आपके तीन वर्ष हैं, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, तो तीन वर्ष के आपने ये बना दिया सेक्शन। पहले वर्ष में ब्याज क्या होगा, तो 25,000 का रेट ही तो निकालते हैं। रेट कितनी है मेरी, 3/25, तो मैंने जो फ्रैक्शन निकाला था उससे मुझे डील करना है। तो मैंने ये काटा 1,000 बार, तो मैं ये कह दूंगा आपका पहले वर्ष में 3,000 रहेगा, दूसरे वर्ष में भी 3,000 रहेगा और तीसरे वर्ष में भी 3,000 रहेगा। ये तो आपका हो गया साधारण ब्याज, पहले वर्ष में भी सेम, दूसरे वर्ष में भी सेम, तीसरे वर्ष में भी सेम। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है, तो पहले वर्ष का जो ब्याज है वो अगले वर्ष में भी ऐड होगा, तो 3,000 का जो ब्याज है ना वो दूसरे वर्ष में भी ऐड होगा। तो 3,000 का मुझे 3/25 और निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेट तो मेरी 3/25 है। तो मैं इसको काटूंगा 25 × 100, 4 × 12 = 36, 360 रुपया, और ये इसमें भी ऐड होगा और ये इसमें भी ऐड होगा। मैंने कल भी आपको बताया था भाई, इस वाले साल का इस साल में भी ऐड होगा और इस साल में भी ऐड होगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, अब इस वाले साल का इस साल में ऐड करना है। तो इस वाले साल के 3,000 का भी इसमें ऐड होगा, जो कि कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि हमने अभी तो निकाला है 3,000 का 3/25, तो 360 इस वाले का ऐड और होगा इसमें, और 360 का खुद 3/25 भी तो इसमें ऐड होने वाला है। तो आप कैलकुलेट कर लो। तो अब मैं देख रहा हूं कि 25 को अगर मैं लिख देता हूं, दोस्तों देखो 25 को मैं लिख देता हूं 100/4, तो मैं नीचे 100 लिख देता हूं, ऊपर 4 लिख देता हूं, 10 से मेरा 10 चला गया। अब मुझे पता है 12/72 का 2 का हासिल लगी 7, 12/36, 36 और 7 मेरे पास कितना हो जाएगा 43, और नीचे 10 है तो मैं 43.2 लिख दूंगा इसको, तो मेरा यहां पे कितना आ जाएगा, 43.2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आ चुका है आपके सामने, इनको जोड़ लीजिए सबको। तो 3,000 3,000 3,000 9,000 और 360 360 360 1,080, तो आप जोड़ लीजिए 9,000 1,080 और 43.2, और यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 × 4 = 12 1 9 और 1 = 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला दोस्तों, समझ में आया आपको, मुझे बताएं कंसेप्ट क्लियर है सर हमारा, पहले मुझे बता दें। मैं चिंता मत करो, क्वेश्चन में आपको इतने कराऊंगा कि मजा आएगा, बस आपको दिमाग लगाना है कि तीन वर्ष का था तो तीन सेक्शन बना लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, तो जल्दी से सब बता दो अगर दिमाग में सेट हो गया है तो। हाँ, तो देखिए सिमोन कह रहे हैं कि वेरी लेंथी, भाई सिमोन इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकते, आपके पास कोई और मेथड हो। अब ये तो यार ट्री मेथड है, अब ये भी लेंथी बता रहे हो, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, चलिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। जी हां, पानी पी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हाँ, यस, बिल्कुल 9,000, क्योंकि जो आपका ये ब्याज होता है ना, ऊपर वाली रो होती है जो समान होती है, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। और मैं आपको कल इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट ही है ना इन दोनों का अंतर है, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितना हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना कि आप जोड़ो दोनों को घटाओ,
इसको जोड़ लो बस 1080 और 43.2, 1080 और 43.2, तो 2 3 2 1 11 1123.2 आपका आंसर है। SI और CI में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1123.2, ठीक है। हाँ चलिएगा भाई साहब, इससे आसान नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। ये लॉन्ग मेथड है, कौन कह रहा है ये लॉन्ग मेथड है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। चलिएगा अब आपके सामने अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आपका मूलधन है 64,000, आपका मूलधन है 6400, ठीक है। रेट आपकी दे रखी है 12.5%, रेट आपकी दे रखी है 12.5%, टाइम आपका दे रखा है 2 साल, ठीक है, टाइम आपका दे रखा है 2 साल। अब आपको अमाउंट निकालना है, अब आपको अमाउंट निकालना है दोस्तों। देखो जब आपको इंटरेस्ट निकालना हो ना तो ट्री मेथड अप्लाई करो, अमाउंट निकालना हो तो रेशो मेथड अप्लाई करो। तो दोनों मेथड आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से करो बस आप, ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो देखो अब आपको अब निकालना है मिश्र धन निकालना है, मूलधन दे रखा है, ठीक है, दोनों मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आना ही है। देखो क्या कहता है, मेरी बात सुन लो बस एक बार, कि 12.5% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो गया। आप भी जानते हैं ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है ना, तो मैं ये कह दूं कि अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा, 9/8। तो आपका एक पहले साल के लिए, पहले साल के लिए आपका प्रिंसिपल 8 था, अमाउंट आपका हो गया 9, अमाउंट आपका हो गया 9। दूसरे साल के लिए आपका प्रिंसिपल 8 था, अमाउंट हो गया आपका 9। मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 64 और ये हो गया आपका 81, 64 ये आपका हो गया 81, ठीक है। तो आपका जो 64 है, जो 64 रेशो में आया है, वो मूलधन किसके बराबर है, 6400 के बराबर। तो मैंने इसको 6400 के बराबर कर दिया, तो 1:1 बराबर आपके पास आ गया 100। तो आपका मूल मिश्रधन कितना आ जाएगा, जो आपका अमाउंट पूछा है 81 × 100, तो 8100 आपका आंसर है। तो दोनों मेथड में कंफ्यूज मत होना, ये आपके अमाउंट जब पूछे तो आप इसको लगाओ खुशी खुशी, जब आपका ब्याज पूछे तो आप ट्री मेथड लगाओ, दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना गाइज। अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूं आप लाइक करते रहे, मजा आता रहेगा। देखो अब इसमें क्या चीज फंस जाती है मैं बताता हूं। अब आप कहोगे कि सर उस मेथड से भी बताओ, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर है, खुश रहो यार, है ना। देखो कैसे करते हैं, उस मेथड से बताता हूं, अब ट्री मेथड से, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना। ये आपका हो गया आपका ये वाला मेथड, रेशो वाला मेथड। ट्री मेथड क्या कहता है, आपकी रेट कितनी आई थी 1/8, मुझे मूलधन क्या मानना है, मुझे मूलधन मानना अगर वो है कि मैं 6400 ही मान लेता हूं, क्योंकि मुझे इतना पता लग चुका है कि 8 से मेरा ये 6400 आसानी से कट जाएगा। इसमें आपको रेट ऐसी की ऐसी लेनी है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे काम करना है, तो मैंने मूलधन 6400 ही ले लिया, जिससे जो मेरा आएगा आंसर वो डायरेक्ट आएगा। तो मैंने पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए ब्याज निकालना स्टार्ट कर दिया, तो 6400 का 1/8 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 800, ठीक है, आपका हो जाएगा 800। और दूसरा कितना हो जाएगा आपका 800, ठीक है, पहले साल भी और दूसरे साल भी, ठीक है। अब इसका भी तो इस साल लगेगा ब्याज, कितना लगेगा 100, कितना लगेगा 100 ही तो लगेगा, कैसे 800 का 1/8 करोगे तो 100 ही तो आएगा। तो अब ये टोटल कितना हो गया आपका 1700, टोटल आपका 1700 हो गया, है ना। और ये क्या है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको पता है, क्योंकि यहां से हमारा इंटरेस्ट ही निकलता है, सिर्फ ब्याज निकलता है मस्त रहने के लिए। जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, मैंने आपसे अमाउंट पूछा था, तो आप जानते हैं 6400 प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 8100 आपका अमाउंट यहां से भी आ जाएगा, 8100 आपका अमाउंट यहां से भी आ जाएगा। मेरी बात समझ में आएगा बिल्कुल, हाँ। देखिए अब एक बंदे बोल रहे हैं फॉर्मूले से लगाइए, दोस्तों ये फॉर्मूला ही है, हमारे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। देखो अब तीसरा मेथड भी देखो, मेरे पास जगह है, तीसरा मेथड क्या बनेगा, जो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो भी समझ लो। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल 1+R/100 करते हैं, है ना, 1+R/100 करते हैं, और यहां पे हम लगाते हैं समय, ठीक है। तो मेरे पास अमाउंट मुझे निकालना है, प्रिंसिपल मेरे पास 6400 दे रखा है, 1+R/100, 12.5/100 कितना होता है 1/8 ही होता है मेरे पास, ठीक है, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। तो 6400 गुणा 9/8 गुणा 9/8, 8 × 2 = 64, तो यहां से आपका 8100 आ जाएगा। अब लीजिए, ये तो और ज्यादा आसान हो गया,
तो दोनों चीजें बहुत आसान हैं, बस दिमाग लगाना है। ये आर बटे सौ का मतलब वही तो है, 12.5 बटे सौ करोगे तो आपका 1/8 ही तो आएगा, क्योंकि 125 से ये 8 बार कट जाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हो रहा है? हाँ, देखिए क्या फालतू बता रहे हो देवदत्त। ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, देवदत्त नाम का एक लड़का है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसकी तो कोई होड़ ही नहीं कर सकता। जबकि मैंने 3 मेथड बताए हैं आपको, ये अभी भी संतुष्ट नहीं है। तो ये पढ़ने नहीं आते, ये डिसलाइक करने आते हैं सिर्फ। तो ऐसा ना करें दोस्तों, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आपको तीनों चीज़ें बता रहा हूँ, आपको अब किसी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हाँ चलिएगा। ये 9 कहाँ से आया भाई? ये 9 ये अमाउंट हो जाता है ना, इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल में जुड़ेगा तो अमाउंट और इसका रेशो निकल जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि अगर आपकी रेट अलग अलग दे रखी हो, रेट अलग अलग दे रखी हो, मतलब R1% R2% और R3% रेट दे रखी है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के लिए, मतलब अलग अलग साल के लिए आपकी रेट अलग अलग दे रखी है, तो आप कैसे निकालेंगे अमाउंट? अगर आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल 1+R/100, R1/100, 1+R2/100, तो मतलब वही चीज है जो आप परसेंटेज में सीखते आए थे, ठीक है, R3/100, तो ये आपका एक फंडा हो जाता है। लेकिन हमें इस चीज को उसी टर्म में करना है जैसे हम करते आए हैं रेशो मेथड से। क्लियर है? हाँ चलेगा, है ना। तो सीधी सी बात यह है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपका मूलधन आपको दे रखा है 8000 रुपए, आपका मूलधन आपको 8000 रुपए दे रखा है, आपका R1 आपको दे रखा है 10%, ये आपके पहले साल के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए, आपका R2 आपके सामने दे रखा है 20% सेकेंड साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए है। तो आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालिए। चलिए इस क्वेश्चन को करें फटाफट से, इस क्वेश्चन को करें फटाफट से, दोनों तरीके सेम हैं, आपको तरीका बता रहा हूं, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के भी। एक परसेंटेज का क्वेश्चन है कि आपके गांव की जनसंख्या 8000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो कितनी हो जाएगी? वही क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10+20, 10×20/100, सक्सेसिव से भी कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सक्सेसिव, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सक्सेसिव से हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30 और 32%, है ना। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, अमाउंट निकालना है, तो 8000×132/100 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर तो आपका कैसे भी आने वाला है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है आपसे यार, कि तरीके जो पढ़ो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, किसी और के लिए बेनिफिट का हमें कोई मतलब नहीं है। देखो ये सक्सेसिव से भी हो गया, अब आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, बात वही है। और आप इसको कैसे कर सकते हो? रेशो मेथड से। कैसे? कि आपका अमाउंट मान लीजिए पहले आपका 10% था, तो मैंने यहां पे 10% को क्या लिखता हूं, 1/10 लिखता हूं, तो आपका 10 प्रिंसिपल है तो अमाउंट हो जाएगा 11, 10 प्रिंसिपल है अमाउंट हो जाएगा 11 इस वाली रेट के लिए, है ना। इस वाली रेट के लिए क्या है, इस वाली रेट के लिए क्या है, 20% है, तो ये आपका 1/5 है, 20% 1/5 होता है। अगर आपका प्रिंसिपल 5 है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 6। तो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 66। तो आपका 50 किसके बराबर है, 50 आपका 8000 के बराबर है। तो आपको बस यही करना है कि 50 अगर 8000 के बराबर है तो यहां से आप देख सकते हैं 160 आ गया, 1/160 आ गया, तो 66 बराबर कितना होगा, 66×160, वही आंसर आ जाएगा। तो सारे मेथड आपके एप्लीकेबल होते हैं इन क्वेश्चंस में। क्लियर है ना, क्लियर है, दोनों मेथड समझ में आ गया? चलिएगा। नीरज शर्मा कह रहे हैं टीचिंग स्टाइल सही नहीं है आपका। नीरज शर्मा, आप शायद अभी पहली क्लास अटेंड कर रहे हो,
मुझे नहीं पता आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप क्लास में कर क्या रहे हो मुझे ये पता दो बस आप, है ना। आप मुझे ये बताने आए हो कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज मेरी क्लास हो गई 74 नंबर की क्लास है, ठीक है। तो यार यहाँ पे जज नहीं, यहाँ पे चीज़ें सीखो यार, मैं मेथड्स बता रहा हूँ, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप टोकते हो लेकिन पढ़ाते वक्त डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, है ना। चीज़ें क्लियर करो आप, तो ये मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है, क्लियर है गाइस? जी हाँ हाँ। अब ये देखिए इजी मेथड बताने के लिए बोल रहे हैं लोग, ये इजी मेथड्स ही हैं जो बता रहे हैं सारे, है ना। लेकिन आप करके देखो कि तभी आपको इजी लगेगा, बिना बैठे बिठाए इजी नहीं लगती है चीजें। चलिएगा, ये सक्सेसिव वाला केस है ना बेटा, सक्सेसिव वाला केस है कि अगर आपके 10% और 20% बढ़ रहा है तो डायरेक्ट आप सक्सेसिव वाला केस लगा सकते हो। वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। ये डायरेक्ट आप लग सकते हैं जब आपके रेट अलग अलग हो सारी। चलिएगा, अब आपके सामने में मोटिवेशनल क्वेट, हाँ मोटिवेशनल क्वेट लेके आ रहा हूं, देखिएगा ठीक है। ये आपके सामने मोटिवेशनल क्वेट है कि सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े होते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि हाँ, तो आपको देखिए, मैं अगर इन चीज़ों पे ध्यान देने लगूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, और मुझे इन चीज़ों को इग्नोर करना आता है, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपके सामने कोई ये बोले ना कि तेरे को कुछ नहीं आता, तो भाई ठीक है नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सिलेक्शन लेने की। तो आपको भी मोटिवेटेड रहना है हमेशा, सफलता देखिए मिलेगी यार, क्योंकि ये तो ऑब्स्टेकल्स होते हैं। अगर आपने क्रिटिसिज्म नहीं सहा अपनी ज़िंदगी में तो आप सफलता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ये एक सिद्धांत है बड़े बड़े लोगों का, क्लियर है। चलिएगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ तो अब आपके सामने हम चलते हैं लेके अगले कंसेप्ट की तरफ, चल के लेके चल रहा हूँ आपको, अगला कंसेप्ट देखता। ठीक है, अगला कंसेप्ट ये है कि जब आपको, मैंने कल भी बताया था, अगर आपका हाफ ईयरली निकालना हो आपको सीआई, अगर सीआई आपका हाफ ईयरली कैलकुलेट हो तो आपको क्या करना है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो तो क्या करते हैं जल्दी से बताओ, रेट का क्या होता है और टाइम का क्या होता है, जल्दी से बताओ। जब अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो तो रेट का क्या होता है, टाइम का क्या होता है। अगर आपका सीआई ठीक है थ्री मंथ कैलकुलेट हो मतलब इसको हम कहते हैं हिंदी में तिमाही कैलकुलेट हो तो क्या करेंगे। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, मैं आपको करवाने भी वाला हूं, ठीक है। हाँ तो आपको यह पता है कि जब भी आपका हाफ ईयरली हो तो रेट आधा हो जाता है और समय आपका दुगना हो जाता है। रेट आपकी आधी हो जाती है जो दे रखी है, और समय आपका दुगना हो जाता है हाफ ईयरली निकाल लेते हैं। अगर आपकी तिमाही हो तो क्या करेंगे नहीं, बात गलत बात नहीं करेंगे। देखो आधा साल है, मतलब आधे आधे साल में, तो ये पूरा साल अपना 12 महीने का होता है। हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना और 6 महीना, ठीक है। तो 6 महीना और 6 महीना में डिवाइड हो गया, तो मैंने इसलिए इसका 2 का डिवाइड कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तिमाही करने पर मतलब 3-3 महीने के टर्म में, तो एक साल में आपके कितने टर्म आ गई, 4 आ गई। तो रेट आपकी बटे 4 हो जाएगी और आपका टाइम हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो भाई, 3-3 महीने में कितने टर्म आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे ना, 12 साल होता है। तो रेट आपका हो जाएगा बटे 4 और समय हो जाएगा आपका 4 गुना। क्लियर हो गया गाइस, क्लियर हो या नहीं हुआ बताइए, अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। चलिएगा यार, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताना चाहता हूं लेकिन डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दिक्कतें आती हैं मुझे भी, है ना। चलिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूं, इसको करें। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 14 करें गाइस। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहे, बस उम्मीद मुझे आप लोगों से है जो समझ रहे हैं, जिनको नहीं समझना है वो तो देखो नहीं समझेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी अच्छे मेथड बता दो, कितनी भी तरीके बता दो, नहीं समझ में आएगा उनको, क्योंकि वो पहली क्लास से नहीं जुड़े हैं। मैं कहता हूं कि जब से क्लास स्टार्ट हो 11 बजे से आप जुड़ जाओ, गारंटी है ना कोई चीज नहीं समझ में आए तो। प्रैक्टिस में बहुत सारी कराने वाला हूं, चिंता मत करो आप, क्लियर है।
अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि ब्याज त्रैमासिक संयोजित किया गया है। त्रैमासिक संयोजित किया गया है, बात आ गई कि वार्षिक दर आपको निकालनी है, रेट आपको फाइंड आउट करनी है। अब रेट आपको जैसे ही फाइंड आउट करनी है ना, तो आपका दिमाग घूम जाना चाहिए, मतलब यार मजा आने वाला है अब तो कुछ ना कुछ, कि हमें रेट फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, ये बड़ा टास्क है। तो यदि ब्याज त्रैमासिक है तो तिमाही है, तो ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से 32,000 रुपये का 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज 5,044 रुपये होगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 32,000 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 32,000, है ना। और आपका टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपका दे रखा है 9 माह, टाइम आपका दे रखा है 9 माह। आपको इतना पता है कि जो रेट आप यहां पे लाओगे वो आपकी एक्चुअल रेट की 4 गुना होगी। भाई एक्चुअल रेट की 4 गुना होगी, जो आपकी रेट यहां निकलेगी ना, आपकी एक्चुअल रेट उसकी 4 गुना होगी। सीधी सी बात यही है ना, क्योंकि हम डिवाइड करके पहले से चल रहे हैं। अगर हम जानते हैं कि अगर तिमाही कैलकुलेट हो, 3 मंथ का कैलकुलेट हो, तो आपकी रेट बटे 4 हो जाती है और टाइम आपका कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। यही पता है आपको, तो मैं ये कह दूं यहां पे आपका टाइम 4 गुना हो जाएगा तो ये 36 महीने, 36 माह मतलब 3 साल, 36 माह मतलब कितना, 3 साल। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल सही है, 20 आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो 36 माह आपका 3 साल हो गया। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, इंटरेस्ट आपको दे रखा है, तो मैं आपका अमाउंट निकाल दूंगा। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो ये है आपका 5,044, और अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 37, है ना, मेरे पास आ जाएगा 3744, यही आ जाएगा। तो मेरे पास 32,000 मेरा मूलधन है, 32,000 मेरा मूलधन है, 3744 मेरा मिश्रधन है। मैंने इसको 4 से काटा, ये 8,000 बार चला गया, 4 से काटा, 4 नाम 36 बचा 1, 4 दुनी 8 बचे 2, 4 छ की 24, 4 एकम 4। तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, हमारे पास टाइम कितना दे रखा है, 3 साल। तो मैंने इसका क्या निकाल लिया, क्यूब रूट निकाल लिया, क्यूब रूट निकाला, तो ये मेरे पास आ गया यहां पे 20 और ये आ गया मेरे पास 21। क्लियर है। अब मुझे रेट निकालनी है, तो रेट मेरे पास क्या हो जाएगी, 1/20 × 100। तो मेरे पास जो रेट आ रही है वो 5% आ रही है, लेकिन हमारी एक्चुअल रेट क्या होगी, 4/4 होनी चाहिए थी भाई। ये जो रेट होगी, यहां से जो रेट निकली है उसका चौगुना ही तो होगा, क्योंकि यहां पे जो रेट थी, हम एक्चुअल में क्या करते, एक्चुअल में हमारे पास अगर यहां पे 20% होता मान के चलो, तो हम क्या करते, दर को 4/4 कर देते, समय को चौगुना कर दिया। तो समय तो आपने चौगुना कर दिया है, तो रेट जो ये आएगी तो उसका भी आपको चौगुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दी हुई रेट निकालनी है, वो 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो 20% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2250 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ, हाँ यही तो बात है, 2250 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 1300 है। तो देखो, देखिए अच्छा लग रहा है तो करो यार। देखो यहाँ पूरी कोशिश, मैं पता है मैं भी बहुत 2-3 स्टेप में कर सकता हूँ, ये नहीं है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता इस तरीके से कि मैं 2-3 स्टेप में उड़ा दूँ। तो वो सोचो जो गाँव से पढ़ रहे हैं बच्चे, जिन्होंने आज तक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डेफिनेशन भी नहीं सीखा, उनको काटना तक नहीं आता, उनके लिए पढ़ाने दो, है ना, उनके लिए। आपके भाई होंगे कुछ, आपको पता है तो थोड़ा सा सब्र कर सकते हो, क्योंकि जो बेसिक चीज यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसको काट के भी लिख सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको एक एक स्टेप लिख लिख के बताता हूं, जिससे कि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप बना सको, एक कोचिंग की तरह, एक इंस्टीट्यूट की तरह, जहां आपसे रुपया लिया जाता है लेकिन ये कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको मेरी, तो मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। 4 से गुणा क्यों करते हैं, देखो समझो कि अगर 20% यहां पे होता, है ना, होता और 9 माह होता, ठीक है, तो आप क्या करते, दर को 4/4 करते और टाइम को 4 गुना करते। यहां पे आपने टाइम तो 4 गुना कर दिया, लेकिन जो दर ये आपकी आएगी वो भी तो यहां पे 20% होगी एक्चुअल में, तो इसलिए मैंने जो आई उसका 4 गुना कर दिया, यहां पे वो दर होगी, तभी हमारा 5% दर निकल पाएगी। क्लियर है, चलिएगा, बहुत बढ़िया, है ना। अभी तो देखो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो मैं सोचता हूं कि आप समझते रहें और करते रहें इन चीजों को, है ना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 करिए फटाफट से, करिए अब, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 करिए फटाफट से। देखो
देखो मैं जो बच्चों मेरे बात सुनो मेरी ध्यान से, मैं बिल्कुल दोबारा करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ही पीछे छूट जाओगे। आपके पास वीडियो रहता है, पार्ट वन देख लो, पार्ट टू देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट फिर भी आता है, देखने के बाद आता है ना, फिर मेरी गलती है कि मैं नहीं समझा पाया। अगर देखा ही नहीं तो फिर कैसे समझोगे। तो बीच में आते हैं तो उनसे ये विनती है कि 11 बजे आए, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं पूरा पढ़ना तो पार्ट वन भी देख लो, मैं सारा बेसिक से लेके चलता हूँ, ठीक है, और ट्रिक भी आपको साथ के साथ बताता हूँ। जी बिल्कुल सही आंसर आने की उम्मीद है, आ रहे होंगे बहुत सारे, देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर आया है, ये आया है रविंद्र वशिष्ठ का, रविंद्र वशिष्ठ बिल्कुल सही है। क्या बोला गया है कि 2000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। आपको 2 वर्ष के लिए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% हो और दूसरे वर्ष के लिए 3% हो तो कैसे करेंगे इसको। बहुत आसान तरीके से आपको करना है कि ये आपको दे रखा है कि पहले आपका 4% है, फिर आपका 3% है, ठीक है, फिर आपका 3%। तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/25 और ये आपका हो जाएगा 3/100, है ना। तो आप इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 25 और 26 जो कि आपका ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कहते हैं 100 और 103, 100 और 103, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2500, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 26 × 103, और जब दोनों को निकालेंगे तो आपका आंसर ए आ जाएगा, है ना, आपका आंसर ए आ जाएगा, है ना। और इसको और कैसे कर सकते थे, और कैसे कर सकते थे इसको, मैंने आपको तरीका बताया था ना, उस तरीके से करो। ये तो देखो लेंदी हो गया, है ना, मैंने आपको और भी तरीके बताए हैं बहुत सारे, कैसे सक्सेसिव वाला, 4 + 3 + 4 × 3/100, तो 4 से चला गया मेरा 25 बार, है ना। तो मैं लिख दूँ 7 + 3/25, तो ये भी कह सकता हूँ 3/25 मतलब 0.12, तो 7.12, ठीक है, 7.12 मेरा आ गया। और अब मुझे क्या करना है, 2 का 107.12 से गुणा करना है। भाई ये मेरा नेट परसेंटेज वृद्धि हो रही है ना, अगर मेरे पास 100 है तो मैं इसको 107.12 ही तो लिखूंगा, तो मेरा 2000 है तो 107.12 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आसानी से आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 142.40। कैलकुलेट करके देख लीजिए यार, है ना, 142. तो ये सक्सेसिव वाले से बहुत आसानी से हो जाएगा। जो आपको आसान मेथड लगे वो आप अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके सामने, हाँ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 करें, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से करें, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 करें, अच्छा लगेगा यार, विश्वास रखो, बिलीव रखो, सब मजा आएगा, लेकिन समझो, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11, 12.5 की दर है, 12.5 दर है ना, 12.5% है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/8 लिख सकते हो। 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, तो यहां पर आपका किसमें बात की गई है, किसके लिए बात की गई है, आपके इंटरेस्ट के लिए बात की गई है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बात की गई है ना। तो बस आप क्या करोगे, आपको पूछा गया है कि चक्रवर्ती ब्याज 510 रुपए है तो उस साधारण ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको पता है 1/8 है, 2 वर्ष के लिए, तो आप इसको 64 मान लो, आपका मूलधन कितना मान लो आप 64 मान लो, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष 64 क्यों माना, क्योंकि नीचे जो 8 होता है उसका स्क्वायर मान लिया यहां पे। जैसे कि मैं 1/8 निकालूंगा तो 8 आ गया पहले, 8 आ गया पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए भी 8 आ जाएगा, और इस 8 का 1 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह दूं कि टोटल मेरा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 8 और 8 16 और 1 17, तो 17 कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो किसके बराबर है, 510 के बराबर, 1 किसके बराबर है आपका, 30 के बराबर, ठीक है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 8 और 8 16 ही होता है, तो 16 किसके बराबर हो जाएगा, 16 × 30 मतलब 480 आपका आंसर आ जाएगा, 480 विल बी योर आंसर, गॉट इट गाइज, 480 विल बी योर आंसर। देखिए अब एक लाइन में आंसर आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें, आपने R को 1/8 लिखा, 64 क्यों माना, क्योंकि आपका 2 वर्ष दे रखा है, समय आपका कितना है, 2 वर्ष दे रखा है, तो 2 वर्ष को आपने क्या कर दिया, 8 का स्क्वायर 64 कर दिया, 64 पहला वर्ष के लिए 8
दूसरे वर्ष के लिए 8, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। और ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब 8 के ऊपर 1/8 लगाऊंगा तो 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 17 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वो आपका 510 के बराबर दे रखा था तो मैंने 510 के बराबर कर दिया। यहां से 1:30 आ गया तो 16:8 जो उसकी सिंपल इंटरेस्ट है 480 आ जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, दोबारा से बता दिया है, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें, 2100 लोग देख रहे हैं, उम्मीद यही रहेगी कि लास्ट तक कि आप सब लोग लाइक करके जाएं, सबको समझ में आए। क्लियर है? चलिए अब मैं लेता हूं आपके सामने पहला क्वेश्चन करें सब लोग, पहला क्वेश्चन करें, फिर मैं आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन देने वाला हूं आज, जिन्हें हम कल कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन करें गाइज, पहला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से करें, फटाफट से आंसर दें, फिर हम होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेदांत द्विवेदी जी, देखो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, सब कुछ आएगा लेकिन आप टाइम पे आ जाओ बस, क्लियर, ये बात है। आप बीच में आते हो ना और छोड़ के मत जाओ क्लास को, छोड़ते जाओगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब ये कि आप खुद से भाग रहे हो, फिर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि सर आप नहीं समझा पाए, हमने नहीं समझा, ये बात आ जाती है। तो रुके रहो यार, मैं आपसे चल्ला के ये कह रहा हूं कि अगर पूरी क्लास देखोगे, और जो स्टूडेंट पूरी क्लास में रुकता है वो आपके बीच में चैटिंग कर रहा होगा, वो खुद जवाब देगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर बात, तो ये कहता हूं मैं आपसे, ठीक है? चलिए आ गया 100, तो बस यही आंसर है, सही आंसर है। 2 वर्ष है, 4% दर है, तो रेट आपकी कितनी दे रखी है, 4%, तो 4% को मैं रेशो में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/25, है ना। तो मेरा 25, मैंने क्या मान लिया, मूलधन कितना मान लिया, 625, ठीक है, मैंने मूलधन 625 मान लिया, अपनी मर्जी से मान लिया, क्योंकि मुझे स्क्वायर मानना है, 2 वर्ष दे रखा है, टाइम मेरा दो वर्ष है तो मैंने नीचे वाले का स्क्वायर मान लिया। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, 25 और 25 का कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहां से मेरा कितना आ जाएगा, 51, और 51 मेरा किसके बराबर दे रखा है, 102 के बराबर, तो 1:2 मेरा आ जाएगा 2। और रियल में मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये ऊपर वाला होता है, तो ये कितना है, 50 है, तो 50 × 2 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 100, तो 100 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा, क्लियर है ना, तो देखो मेरी बात सुनो, अब आप होमवर्क में लो, शानदार क्वेश्चन है, कल है ना, मतलब इतना मजा आने वाला है, कल हम इंस्टॉलमेंट भी पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो होमवर्क के क्वेश्चन दिखा दिए जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क में है, अच्छे क्वेश्चन है, मन लगा के करना, जो भी मेथड से कर रहे हो करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपके हमेशा साथ हूं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, क्वेश्चन नंबर 5 और मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका होमवर्क में है, और क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके 5 क्वेश्चन होमवर्क में है, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, और अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। क्लियर है गाइस? जी हाँ, तो बात बता दे मुझे कि क्लास तो बहुत अच्छी रही होगी और अच्छी बनानी है ना, तो मेहनत करो यार, जुनून ला दो अपने अंदर सिलेक्शन का। यहाँ पे कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी गवार नहीं है, सब अपने लेवल के हैं, बशर्ते कि आप अगर पूरी क्लास देखते हो जो 11 बजे से स्टार्ट होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि मेरे साथ जुड़े रहो, डेली क्लास देखो, सब कुछ समझ में आएगा। एक गुरु मानो, 10 जगह पढ़ोगे कन्फ्यूजन पैदा होगा, 1 जगह पढ़ोगे सारी चीजें पता लगेंगी, ठीक है ना। तो बात मैं यही कहूंगा कि एक चीज को पकड़ो, एक बुक को पकड़ो, एक चीज से पढ़ो और एक गुरु से पढ़ो, हमेशा याद रखना। चाहे आप, मैं पसंद नहीं आता मुझसे मत पढ़ो, किसी और से पढ़ो, लेकिन एक से पढ़ो, है ना। अगर यहां पसंद आता है तो मुझसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और अच्छा लग रहा है तो उम्मीद ये करूंगा जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे। आपके लिए टेस्ट सीरीज धमाका भी आने वाला है तो उसको भी एंजॉय करना, 30, 31 और 1 तारीख को, जिसमें आपको 50% से ज्यादा छूट पर टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और आपको
हाँ, तो फिर मस्ती से एंजॉय करना, और आप बहुत तरीके से खरीद सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें मोबाइल ऐप के थ्रू। और 2 मिलियन सेलिब्रेशन में आना मत भूलना, रात को 8 बजे 2 जून को। बहुत मस्ती होगी और एंजॉय होगा आप सबके साथ, और एंजॉय करेंगे हम भी। तो गाइज, आई होप आपने एंजॉय किया है क्लास को। कल बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन आपको सारे मैं दिखा ही चुका हूँ, होमवर्क वाले, उनको करने की कोशिश करना जो ईमानदार हैं अपने लक्ष्य के लिए। तो फिर मिलता हूँ कल इसी टाइम पे, 11 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, आप सब पधारेंगे और सब आएंगे। तो फिर बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, एंजॉय योर डे।